अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। चुप चाप लेके हे धंधे करता का तुम्ही लोक नाही तक न्यूज चालवायचे, त्यांना 5-6 वेळ दिला त्यांना तुम्ही 6:30 पर्यंत देत नाही, मला बोलायचं नाही कोणाची। आप रेकॉर्ड पे लीजिए ये टाइम की आपको 6:30 है, तुम्ही मला लिहून द्या, तुम्ही मला लिहून द्या, तुम्ही 6:30 दिलाय हॉल, आताच लिहून द्या, आता लिहून द्या, तुम्ही 6:30 हॉल दिलाय, मला कुणाशी बोलायचं नाही, तुम्ही आता लिहून द्या। किती वाजले आता? अजून पर्यंत हॉल आला नाही, तुम्ही लिहून द्या मॅडम। 6 तुमच्याकडून मला लिहून पाहिजे, 6:00 नाही, तुमच्याकडून मला लिहून पाहिजे, पहिले लिहून नाही, आताच लिहून द्या। दोस्तों, राजनीति में कब पुराने यार दोस्त दुश्मन और कब पुराने दूर विरोधी काफी करीबी मित्र बन जाते हैं, कहा जाना आसान नहीं है। ऐसा ही एक मामला इस समय मीरा भाईंदर की राजनीति में देखने को मिल रहा है, जहां दो अलग अलग पार्टी के विधायकों में वाक युद्ध शुरू है। मामला है मीरा भाईंदर की विधायक गीता जैन एवं थाने के विधायक शिवसेना शिंदेकुट के नेता प्रताप सरनाईक के बीच चल रहे विवाद का। आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव के समय सिर्फ एक शिवसेना हुआ करती थी, उस समय शिवसेना और भाजपा का गठबंधन हुआ था, और चूंकि भाजपा ने तब मीरा भाईंदर की सीट पर पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता को टिकट देकर अपना गठबंधन का अधिकृत प्रत्याशी बनाया था, तब भाजपा की नेता गीता जैन ने बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की और गीता जैन चुनाव लड़ी भी। उस समय प्रताप सरनाईक, जो की मूल रूप से मीरा भाईंदर क्षेत्र से ही आते हैं, प्रताप सरनाईक के तत्कालीन विधायक और प्रत्याशी नरेंद्र मेहता से बिगड़े हुए रिश्ते, बल्कि एक मायने में दोनों की आपस में पनप रही दुश्मनी के चलते प्रताप सरनाईक ने पार्टी आला कमान द्वारा किए गए गठबंधन को अपने मीरा भाईंदर में स्वीकारने से साफ इनकार कर दिया था, और खुलकर भाजपा की भागी वर्तमान विधायक गीता जैन को न सिर्फ सपोर्ट किया था, बल्कि गीता जैन की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। वही प्रताप सरनाईक व गीता जैन आज आमने सामने आ गए हैं, और फिलहाल मीरा भाईंदर में एक मामला काफी गरमाया हुआ है। उस मामले पर बात करें इससे पहले बता दें कि जिस नरेंद्र मेहता को हराने प्रताप सरनाईक ने गीता जैन को मदद की थी, उन्हीं नरेंद्र मेहता से फिलहाल प्रताप सरनाईक की दुश्मनी लगभग खत्म होकर मैत्री में बदल चुकी है। वहीं गीता जैन और प्रताप सरनाईक के बीच अभी खींचतान जारी है। दरअसल गीता जैन मैडम इन दिनों काफी हाइपर हो जाती है और गाहे बगाहे मनपा अधिकारियों कर्मचारियों पर बिगड़ जाती है। जून महीने में तो गीता जैन ने एक मनपा जूनियर इंजीनियर को चांटा तक रसीद कर दिया था, उसका वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ था, उस घटना को लेकर काफी बवाल हुआ था और हर तरफ लोग गीता जैन की आलोचना करते दिखाई दे रहे थे। अभी जो मामला ताजा मामला है बीते रविवार का, 6 अगस्त रविवार को मीरा भाईंदर के लता मंगेशकर नाट्यगृह में एक मराठी नाटक के प्ले के समय में देरी होने पर विधायक गीता जैन द्वारा मनपा अधिकारी को लताड़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद विधायक प्रताप सरनाईक ने गीता जैन को आड़े हाथों लिया और दोनों तरफ से एक तरह का वाक युद्ध शुरू हो गया। इस पूरे मामले के पीछे का कारण कुछ ऐसा है कि ये नाट्यगृह प्रताप सरनाईक की कोशिशों के चलते बना और शुरू हुआ। इस नाट्यगृह का संचालन और प्रबंधन मीरा भाईंदर महानगर पालिका के हाथों में है। राजस्थानी समाज ने कई दिनों पहले इस नाट्यगृह की बुकिंग अपने एक नाटक के प्ले हेतु करवाई थी। राजस्थानी समाज ने उस प्ले की सब तैयारियां पूरी कर टिकट तक बेच दी थी और अचानक एक दिन महानगर पालिका ने राजस्थानी कार्यक्रम के आयोजक को बुकिंग वाले दिन दूसरा एक मराठी नाटक होने के चलते प्ले होने की तरह अपना शो रद्द करने की बात कही। इस पर गीता जैन ने बीच में पड़ते हुए एक ही दिन समय का बदलाव कर दोनों प्ले की प्ले किए जाने का अनुरोध किया, जिस पर मनपा प्रशासन ने हामी भर दी और एक ही दिन में कुछ समय ऊपर नीचे करके दोनों प्ले को इजाजत दे दी गई। अब प्ले वाले दिन मराठी प्ले जो पहले शुरू हुआ था उसके आयोजकों को वह प्ले 5:30 के बीच खत्म करना था, लेकिन प्ले के आयोजकों को प्ले का भरपूर प्रतिसाद मिल रहा था और लोग वंस मोर के नारे लगा रहे थे। ऐसे में प्ले संचालकों ने समय सीमा का ख्याल नहीं रखते हुए प्ले को शाम के 5:30-6 तक खींच लिया। तभी अगले प्ले जो तैयार राजस्थानी समाज के लोग भी नाट्यगृह पहुंच गए और उनका प्ले जब समय पर शुरू नहीं हो पाया तब उन्होंने गीता जैन को संपर्क किया और गीता जैन वहां नाट्यगृह में पहुंची। वहां पहुंचकर गीता जैन ने अधिकारियों से बसलूकी की, अधिकारी को कैमरे के ऊपर बड़ा बुरा सुनाना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो इस समय आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रताप सरनाईक ने खुलेआम गीता जैन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गीता जैन ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी।
आगे वीडियो में देखिए क्या कुछ कहना है प्रताप सरनाईक का और गीता जैन का। मेरा भाईंदर महानगर पालिके के कमिश्नर श्री दिलीप ढोले जी को मैं आज निवेदन देने हमारे सभी पार्टी के लोगों के साथ यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि 6 तारीख रविवार के दिन एक निंदाजनक घटना घटी है, क्योंकि बहुत सालों के परिश्रम के बाद मैंने लता मंगेशकर नाटक गृह इस मीरा भाईंदर की सांस्कृतिक जो सभ्यता है उसे उजाला देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए मैंने नाट्य गृह का निर्माण किया। बहुत सारे लोगों का विरोध था, फिर भी मैंने राज्य शासन और महापालिका प्रशासन को साथ में लेके वो भूमिका लोक प्रतिनिधि के तौर पे अच्छी तरह निभाई। पिछले साल अक्टूबर महीने में माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब के हाथों से उसका उद्घाटन भी हो गया, और ऐसे परिस्थिति में पिछले कई महीने से हम देख रहे थे कि यहाँ पे मराठी नाटक नहीं हो रहे थे, मगर संडे के दिन एक मराठी नाटक जो हमारे भाऊ कदम बहुत ही नामचीन नाट्यकर्मी है और सिने कलावंत है, उनका एक नाट्य प्रयोग वहाँ पे हो रहा था, और उसी दौरान हमारे कुछ लोग जो राजस्थानी नाटक था 6 बजे तो करुण गेलो गावा ये जो नाटक चल रहा था उसमें घुसने की कोशिश कुछ लोगों ने की और वो नाटक बंद गिराने की कोशिश की, कुछ हुआ नहीं। मगर भविष्य में ये चीज़ें शहर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये शहर ये महाराष्ट्र मराठी भाषिकों का है, ये मीरा भाईंदर शहर जो है वो आगरी कोली भूमिपुत्रों का है, और ऐसे परिस्थिति में अगर जाति धर्म का द्वेष करके अगर इस शहर में कोई भावना निर्माण करते रहेगी अलग अलग जाति और धर्मों के बीच में तो वो गलत है। हमें लोक प्रतिनिधि के तौर पे लोगों ने चुन के दिया, वो देखा नहीं है कि किसके जाति और धर्म के लोगों ने हमें वोट दिया, हमको तो सभी जाति धर्मों के लोगों को लेके जाना है। आप देख रहे पिछले साल भर में सभी जाति धर्म के समाज भवन हो या उनके काम हो तो करने का प्रयास एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब के और अभी अजित पवार साहब के नेतृत्व में होने वाले सरकार में हमने करोड़ों रुपए का निधि लाया शहर सुशोभित करने के लिए और शहर अच्छा रखने के लिए हम कोशिश करते हैं, मगर इस दौरान हम भी मराठी है और इस मराठी होने का मुझे अभिमान है, फख्र है, मगर ऐसे परिस्थिति में अगर कोई मराठी नाटक बंद कराने की कोशिश करता रहेगा उसमें भी कोई ऐसे नहीं है कि आधे घंटे का टाइम था, एडजस्टमेंट सभी को करना चाहिए। वहाँ पे कुछ लोक प्रतिनिधि अगर रहेंगे तो लोक प्रतिनिधि ने प्रशासन और जो समाज के लोग हैं या जो निर्माता है उनमें समेट करके वो भावना सभी की शांत करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि किसी कर्मचारी को दादागिरी करके महान करके वो घटना को और अलग रूप में लेके जाना चाहिए। तो मेरा यही कहना है, हम महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हैं, हम मीरा भाईंदर शहर में सभी जाति धर्म के लोगों को अगर लेके काम करते हैं तो हमारे मराठी जो नाटक है उनको भी मान सम्मान मिलना चाहिए, उनको निर्माताओं के भी मान सम्मान मिलना चाहिए। हमारे मराठी नाट्यकर्मियों में और मराठी भाषिकों में शहर में बहुत चिंतित वातावरण है, वो नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने दिलीप ढोले जी जो कमिश्नर है उनको निवेदन दिया और आगे मराठी नाटक और भी बड़े पैमाने पर होने चाहिए, इसलिए राज्य शासन के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर ने मराठी नाटकों के लिए जो रेट उनके है उसमें भी कोई छूट देनी चाहिए, ताकि और भी लोग आएंगे और मराठी नाटकों का प्रयोग इस मीरा भाईंदर के लता मंगेशकर नाटक गृह में होगा, ऐसे मैंने उनको विनती की है। और ये चीजें जो हो हुई है वो भविष्य में नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कोशिश करने की मैंने मांग की है। सरनाईक साहब, जैसा आपने मनपा आयुक्त से गुहार लगाई है कि इसका आगे इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्या आपने एमएलए गीता जैन से बातचीत की इस हंगामे को लेकर? क्योंकि देखिए मैं किसी के बारे में किसी के साथ बातचीत करके नहीं, देखिए एक बात है, पहले मैं मराठी हूँ बाद में विधायक हूँ, और मैं मुझे गर्व है और मुझे अभिमान है, हर जाति धर्म के लोगों को अभिमान और गर्व होना चाहिए वो उसकी जाति धर्म का है, मगर मैं आखिर में लोक प्रतिनिधि हूँ तो मुझे सभी लोगों को मराठी हो इसका गर्व होना चाहिए, मगर सभी लोक प्रतिनिधियों ने यही मानना चाहिए कि हमें सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लेके आगे मार्गक्रमण करना चाहिए, ना ही हमारे जात के और हमारे धर्म के प्रसार करने के लिए लोक प्रतिनिधि करके लोग चुन के नहीं देते, हम जिसी जाति जिसी समाज के होंगे उसे उसको कायम रखते हुए हमें सभी लोगों को साथ में लेके आगे मार्गक्रमण करना चाहिए, तो ही शहर का विकास होता है और तो ही सभी जाति धर्म के लोग बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, जैसे 14 साल से मैं कर रहा हूँ,
और मैंने ऐसे कभी मैं मराठी हूँ, मैं मराठियों के लिए आंदोलन करूंगा, ये करूंगा, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। मगर हाँ, हमारे ऊपर अगर कभी आँच आएगी तो प्रताप सरनाइक पहला रास्ते पे उतरा, ये मैं अभी आज आपके सामने बता रहा हूँ। लेकिन सर, जिसने हंगामा किया आपने उनसे बात की क्या? मेरा मुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं, क्यों मैं बात करूँ? जो जिन्होंने हंगामा किया, हंगामा करने से पहले ही उनको जानना चाहिए था ये हम हंगामा कर रहे हैं वो गलत है या सही है, मैं किसी से, और मराठी हमारी भूमिका है, हम किसी के सामने झुकेंगे। मेरा वही कहना है, देखिए कभी भी क्या होता है, ये जो हो रहा है वो गलत है, नहीं होना चाहिए। जब भी कुछ भी चीजें होते हैं तो महानगर पालिका के कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनको मारहाण होती है, उनको गाली गलौज होती है, उनको दम देने की कोशिश होती है, ये नहीं होना चाहिए शहर में। हमें लोगों ने, आपने किसको वोट दिया या आपको किसने वोट दिया हमें समझता नहीं है, मगर हमारा एक बार चुन के आने के बाद में हमारा ये फर्ज होता है कि हम सभी जाति धर्म के, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, राजस्थानी हो, उत्तर भारतीय हो, केरला वाला हो, कोई भी हो, वो सब लोग हमारे साथ में इस शहर को साथ में लेके आगे हम काम करना चाहिए, ना ही मेरे जाति धर्म के लोगों को ही सिर्फ उनके लिए मैं काम करता हूँ, ऐसे लोगों के बीच में मैसेज जाने के लिए अगर कोई कुछ करता रहेगा तो वो गलत है। मैडम, कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें प्रांतवाद का विषय कहीं ना कहीं गरमाते हुए नजर आ रहा है, क्या कहते हैं? अधिकारी अपनी गलती छुपाने के लिए उसे प्रांतवाद, भाषावाद कर रहे हैं। देखिए, बात यह हुई थी कि जो श्याम मित्र मंडल था, उन्होंने 40 दिन पहले 5 बजे से 9 बजे तक ये थिएटर बुकिंग ली थी, उनकी रसीद है मेरे पास समय के साथ। 7 दिन पहले उनको बोला गया कि सरकारी कार्यक्रम है, आपका ये प्रोग्राम रद्द कीजिए। उन्होंने मुझे पूछा, मैडम सरकारी कार्यक्रम क्या है? मैंने फ़ोन करके पूछा क्या सरकारी कार्यक्रम है, तो उन्होंने कहा नहीं, एक नाटक आया है, उस नाटक के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, नाटक आया है वो भी वेलकम है, आप दोनों को टाइम एडजस्ट करके दीजिए, एक को थोड़ा 2 घंटा पहले दीजिए, ओवरलैपिंग टाइमिंग मत दीजिए। जिसके लिए पिंपले मैडम कबूल होके उन्होंने कहा 5:30 बजे, क्योंकि आधा घंटा और क्या हम उनको लेट करवा सकते हैं अगर वो माने तो। श्याम जी भी वहाँ बैठे थे, मैंने उनसे पूछा क्या आप आधे घंटे तक संभाल पाओगे? उन्होंने कबूल किया कि जाने दो, हमें किसी का कोई नुकसान नहीं करना है, हमारे नाट्यगृह में एक नाटक आ रहा है वो भी वेलकम है, हम आधा घंटा परफेक्टली हम चलेगा, हमें लेट दीजिएगा, हम कॉपरेट करने को तैयार है। उसके बाद मैंने मैडम को ये कहा था कि मैडम नाटक वाले को एक आप इंटीमेशन दे देना कि वो उस समय में ख़त्म करे, चाहिए तो वो ब्रेक ना ले या जिस तरह से भी एडजस्टमेंट होता है, पर उसको आप 5:30 बजे तक करिएगा, क्योंकि उनकी भी टिकटें बिक गई है, 1000 लोग वो भी कहाँ खड़े रहेंगे अगर वो टाइम पे आ गए तो, और किसने किसने टिकट ली हमें नहीं मालूम, हम किसको किसको मैसेज देंगे कि आप और ज़्यादा लेट आए। उन्होंने ये बात कबूल की, उनकी गलती थी, उन्होंने नाटक वाले को एक भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि ख़त्म करिए, नाटक वालों ने वंस मोर पे कुछ और चलाया भी वंस मोर, तो अगर ये इंस्ट्रक्शन नाटक वालों को देते तो ये नहीं होता। वहाँ बाहर इतना केओस था, उन कार्यकर्ताओं की कोई गलती नहीं होने के बावजूद वो हाथ जोड़ के आने वाली पब्लिक को शांत कर रहे थे ताकि अंदर नाटक जल्दी से समापन हो जाए अच्छी तरह से। उन्होंने हाथ जोड़ के सभी पब्लिक से माफ़ी मांग रहे थे कि टेक्निकल खराबी है, हम लेते हैं अंदर, हम लेते हैं। उन्होंने वो 1 घंटा संभाला, 1000 लोग बाहर खड़े थे जो धक्का मार के अंदर आने के लिए कोशिश कर रहे थे। भगवान की दया से कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, नहीं तो अगर गुस्साई पब्लिक ने, जिन्होंने अपने पैसे दे के टिकट खरीदी थी, अगर कोई तोड़फोड़ कर दी होती तो ये जवाबदार कौन लेता? और मैंने अभी अभी आयुक्त से लेटर लिख के ये मांग की है कि इस तरह से डबल बुकिंग लेने वाले अधिकारियों की बेदरकारी पे आप दखल लीजिए और उन पे कार्रवाई कीजिए, या ऐसे महत्व की जवाबदारी मत दीजिए जो इस तरह से भाषावाद फैलाने के प्रयत्न कर रहे हैं, प्रांतवाद फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर ये श्याम सुमिरन का पहले होता और बाद में ये होता तो भी क्या मेरी भूमिका बदलती?
मैं तब भी बोलती कि आपने ये ओवरलैपिंग प्रोग्राम कैसे लिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ भाषा। मुझे तो भाषा का पता भी नहीं था सबसे पहले जब हम अग्री हुए कि कौन सा नाटक आ रहा है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि एक प्रोग्राम को अगर आप आधा घंटा और टाइम दे सके तो क्या चलेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे नाटक रूम में बाहर से लोग आ रहे हैं, बहुत वेलकम है, हम उनको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। लेकिन जब बात डेढ़ घंटा लेट देने की हो गई तब ये प्रॉब्लम हुआ, बाहर की पब्लिक संभल नहीं रही थी। अगर तोड़फोड़ हुई होती तो क्या अधिकारी अपने पैसे से भरते क्या जिन्होंने ओवरलैपिंग लिया है? मैडम, प्रताप सरनाइक ने आप पे गंभीर आरोप लगाए हैं कि आप मराठियों के साथ अन्याय कर रहे हो और मराठी लोगों के ऊपर अन्याय सहन नहीं करेंगे। इसके पहले भी आपने कॉन्ट्रैक्ट पे इंजीनियर को थप्पड़ मारा था और आपने जानबूझ के ये काम किया है। देखिए, किसी के आरोप लगाने से वो आरोप सिद्ध नहीं हो जाते। मैं सिर्फ अधिकारी को इसलिए डांट रही थी कि आपने ओवरलैपिंग प्रॉब्लम ये कैसे लिया। अगर आप सब लोग ये चाहते हैं कि अधिकारी जो गलती करे करने दे, सामान्य जनता जो भुगत रही है वो भुगतने दे, हम जनप्रतिनिधि को कुछ नहीं बोलना, तो मैं आगे से ये करती हूँ। आप सामान्य लोगों से पूछ लें कि आपके अन्याय के विरुद्ध जनप्रतिनिधि ने बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। फिर अगर अन्याय के विरुद्ध जनप्रतिनिधि बोलता है और उसके बाद आप भाषावाद प्रांतवाद करते हो तो मैं आपको क्वेश्चन करती हूँ कि आप भी रेशन कार्ड की ऑफिस में गए थे, आपने जनता के लिए ये उठाया था, उस अधिकारी को आपने भी डांटा था, आपके लिए नहीं डांटा था, उस जनता के लिए डांटा था, मैंने भी दोनों बार वही किया। अगर नाट्य गुरु की संपत्ति टूट फूट जाती तो उसको बचाने का अगर मैंने प्रयत्न किया, उस अधिकारी को डांट के ये प्रयत्न किया कि आगे से आप ओवरलैपिंग प्रोग्राम नहीं लोगे, तो मैंने क्या गलत किया? ये मुझे, मैं सामान्य जनता से पूछना चाहती हूँ कि क्या गलती हुई या नहीं हुई, आप जवाब दें। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। खबर आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट कीजिए। धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।